आज के वीडियो में दोस्तों हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस केस पे चर्चा करने वाले हैं ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है बट यहाँ पे कुछ ग्रोथ के ट्रिगर्स डेवलप हो रहे हैं विथ सर्टन ऑप्शनलिटीज ऑफ ग्रोथ इन न्यू सेगमेंट्स एज वेल वाइल बिजनेस केस तो एक बात हो गई बट ये डिस्कशन के माध्यम से जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो है बिजनेस पिवट का और ये कॉन्सेप्ट को मैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेसिस और फ्रेमवर्कस के साथ कैसे इंटीग्रेट करता हूँ ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज हम डिस्कशन करने वाले दोस्तों एक ऑटो एंसिलरी कंपनी पे बाई द नेम ऑफ सन्सेरा इंजीनियरिंग ऑब्वियसली फ्रेंड्स ये हमारे रिसर्च का स्टार्टिंग पॉइंट है एंड नॉट अ रिकमेंडेशन इन एनी फॉर्म यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये वीडियो और ये चैनल पर कोई भी कंटेंट रिकमेंडेशन के लिए नहीं है एंड फ्रेंड्स एज फुल डिस्कलोजर एज ऑन ट्वेंटी फोर्थ जुलाई टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर करंटली यह स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है और मैं यहाँ पर इन्वेस्टेड हूँ वाइल आई एम इन्वेस्टेड यर मैंने यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट भी प्लेस पे रखा है यूजिंग स्टॉप लॉजेज एंड प्राइस एक्शन ये भी मैं आपके साथ वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा तो चलिए दोस्तों डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बाय हिटिंग दिस लाइक बटन ताकि यूट्यूब को भी एक सिग्नल मिल जाए कि आपको ऐसे वीडियोज पसंद आते हैं डायरेक्टली बिजनेस पे बात करने से पहले बिजनेस पिवट का कॉन्सेप्ट समझते हैं ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस अपना एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटीज यूज़ करके आजू बाजू वाले बिजनेसेस या एडजेसेंट बिजनेसिस या तो आगे फॉरवर्ड इंटीग्रेट करके हायर वैल्यू एडेड सेगमेंट्स में एंटर करती है तो यहाँ पे ग्रोथ की ऑप्शनालिटीज और चांसेस बढ़ जाते हैं अब ये ग्रोथ आ सकती है मल्टीपल फॉर्म्स में इधर आपकी सेल्स या धंधा बढ़ सकता है या आपके मार्जिन बेटर हो सकते हैं या तो ये दोनों ही चीज़ें हो सकती है कभी कभी ये बिजनेस पेवर्ट्स डी रिस्किंग में भी बहुत काम आते हैं मतलब एक एग्जिस्टिंग बिजनेस अपने किसी एक हाई रिस्क सेगमेंट से बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके दूसरे सेगमेंट्स में एंटर करती है जैसे हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं ऐसे बिजनेस भी अपने हाई रिस्क बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकती है लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल ऑफ आई टी सी आई टी सी टिपिकली एक टोबैको एंड सिगरेट की कंपनी रही है एंड टोबैको एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही हेवीली रेगुलेटेड और टैक्सड है तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने पिछले दस सालों में एक कॉन्शियस कॉल लिया कि वो अपने आप को डी रिस्क या डाइवर्सिफाई करेंगे एफ के बिजनेस में भी अल्टीमेटली जो ये इनकी एग्जिस्टिंग केपेबिलिटीज है ब्रांड बिल्डिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की ये लेवरेज कर सकते हैं एफ के बिजनेस को भी स्केल करने में फ्रेंड्स एफ का तो बिजनेस ही ब्रांड बना के डिस्ट्रीब्यूट करना होता है आपको एंड कंज्यूमर तक पहुंचना है गांव गांव शहर शहर में तो अब आप यहाँ पे मूवमेंट देखिए इनके एफ बिजनेस की पिछले चार सालों में लगभग इनकी सेल्स

मतलब सेल्स ना बढ़ने पे भी मुनाफा तीन गुना से ज्यादा बढ़ गया अब दोस्तों ये बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड एग्जांपल था बट होप आप ब्रॉडली एक कॉन्सेप्ट समझ गए इसे ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं बट अब बात करते हैं संसेरा के बिजनेस केस की वेल फ्रेंड्स इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऐसे ही लेग टू लेग प्ले आउट होगा का केस में ये तो इन्वेस्टर को बहुत सारी चीजें टाइम के साथ ही पता लगेंगी ये कंपनी मेजरली एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो बेसिकली बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में ऑटो कंपनीज के लिए पार्ट्स बनाती है एंड फ्रेंड्स यहाँ पे जो कन्वेंशनल बिजनेस सेगमेंट है विच इज दैट ऑफ आइस कम्बर्शन इंजिन ये इनके बिजनेस में अप्रोक्सिमेटली सेवेंटी सिक्स परसेंट रेवेन्यूज कॉन्ट्रीब्यूट करती है तो अभी भी थ्री फोर्थ इनका बिजनेस एक ऐसे सेगमेंट से आता है जहां पे आइस कंबर्शन इंजन वाले क्लाइंट्स को पार्ट सप्लाई करते हैं ट्रांसमिशन सस्पेंशन like और गेयर के कंपोनेंट्स ऐसे वाले प्रोडक्ट्स बट यहाँ पे मैनेजमेंट ने ये फैक्ट रिकोगनाइज की है कि जो आइस कंबेशन वाले सेगमेंट का बिजनेस है दैट कैन बी पोटेंशियली अंडर थ्रेड

ये वाली फैसिलिटी से 350 करोड़ का बिजनेस सपोर्ट हो सकता है तो ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो एज इन्वेस्टर हमें पता होना चाहिए कि एट फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यहाँ पे कितना पोटेंशियल है ये फैसिलिटी का इनफैक्ट फ्रेंड्स बहुत रिसेंटली सनसेरा ने एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी किया है एक ऐसी कंपनी में जो सब सिस्टम्स बनाती है नेक्स्ट जनरेशन रडार्स के लिए ये कंपनी दोस्तों अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए

तो ये कंट्रीब्यूशन ऊपर जा सकता है अप टू 40 परसेंट और ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमने सीखा बिजनेस पिवट का सेंसर इंजीनियरिंग की तरह ही इंटरेस्टिंगली एवरी मंथ मैं अपने डीप डाइव कम्युनिटी मेंबर्स के साथ एक इंटरेस्टिंग बिजनेस केस डिस्कस करता हूँ अब ये बिजनेस अलग अलग मेगा थीम्स को बिलोंग कर सकते हैं जैसे कि डेटा सेंटर्स ई आर इंडस्ट्रियलाइजेशन डिफेंस माइनिंग एक्सेट्रा वही बिजनेस पे तो हम डीप डाइव करते ही हैं बट एट द सेम टाइम मैं शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस प्रोसेसेस

और अब बात करते हैं रिस्क और एंटीथीसिस के पॉइंटर्स की तो यहाँ पे ये वाले बिजनेस केस में मैं आपके साथ दो स्पेसिफिक रिस्क के पॉइंटर्स शेयर करना चाहूंगा दिस इज़ इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग बिजनेस रिस्क कि आपका एग्जीक्यूशन जियोपॉलिटिकल ये बाकी रिस्क तो गिवन है बट खास करके ये दो एंटीथीसिस के पॉइंटर्स मैं शेयर करना चाहूँगा वही सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे ग्रोथ के ट्रिगर्स है कंपनी बिजनेस में पिवर्ट कर रही है दूसरे एरियाज में एंटर कर रही है वेंचर कर रही है बट इसके साथ रिस्क आता है और वो रिस्क है एग्जीक्यूशन का कि कंपनी एग्जैक्टली ये नए बिजनेस में कैसे स्केल और एग्जीक्यूट करती है ये जो नए बिजनेस है इसके चलते मार्जिन इंप्रूव होंगे या नहीं वो अच्छे से स्केल हो पाएंगे या नहीं यहाँ पे क्लाइंट्स मिलेंगे या नहीं तो ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स है जो अनसर्टेटी के है एट द सेम टाइम अगर कोई भी बिजनेस नए एरियाज में वेंचर करता है तो बहुत ज्यादा कमिटमेंट लगती है एक तो कैपिटल की और टाइम की तो देर इज सर्टन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व टू और ये बात किसी भी इन्वेस्टर के ध्यान में होना बहुत जरूरी है यहाँ पे अगर आप इनके एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल्स देखो तो वो मोर और लेस डिसेंट ही रहे हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इनकी रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ लगभग 20 परसेंट से ज्यादा रही है एट द सेम टाइम इनका रिटर्न ऑन इक्विटी और आरोप फिफ्टीन है विच इज क्वाइट डिसेंट हिस्टोरिकली इनका फ्लो फॉम ऑपरेशन भी पॉजिटिव रहा है और डेट टू इक्विटी यहाँ पे पॉइंट सिक्स सिक्स टाइम्स है बट अब ये सिंस आगे आने वाले टाइम में नए बिजनेस के सेगमेंट्स में फोकस करेंगे तो इनके एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल्स को ये कैसे डिसीजन इंपैक्ट करेगा ये ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए दूसरा यहाँ पे रिस्क है वैल्यूएशंस का अगर आप ब्रॉडली मेजर ऑटो इंजिलरी कंपनीज का यूनिवर्स कंसिडर करो तो जहाँ तक प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स या वैलुएशन की बात है तो ये 15 टाइम्स टू थर्टी टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो के रेंज में मेजरली पाए जाएंगे बट यहाँ पे आप सनसेरा इंजीनियरिंग के केस में एज ऑन 24 जुलाई 2024 प्राइस अर्निंग वैल्यूएशन मल्टीपल्स देखो तो ये रफली थर्टी टू फोर्टी टाइम्स है तो हो सकता है फ्रेंड्स कि ये पिवट के पॉइंटर्स ऑलरेडी मार्केट ने कुछ हद तक इनके वैल्यूएशंस में फैक्टर इन किए हो अब यहाँ पे इनके वैल्यशन में प्रिसाइसली या एग्जैक्टली exactly कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ये पॉइंटर को गेस्टिमेट करना या एसेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसीलिए फ्रेंड्स एज टेक्नो फंडामेंटल इन्वेस्टर मैं फंडामेंटल्स के साथ साथ प्राइस एक्शन या चार्ट मतलब टेक्निकल एनालिसिस को भी बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ और ये मेनली होता है फ्रॉम द पर्स्पेक्टिव ऑफ स्टॉप लॉसिस कैपिटल प्रोटेक्शन किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब आपके सामने मैंने दोस्तों वीकली प्राइस एक्शन के चार्ट्स रखे हैं

तो वॉल्यूम्स में भी इंक्रीज्ड इंटरेस्ट देखा जा रहा है विच इज अ पॉजिटिव साइन ये व्हीकलो विच इज अराउंड 1295 जो करंट मार्केट प्राइस 1370 से अप्रॉक्सीमेटली 5 टू 6% दूर है ये एक इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट है ये पिवट पॉइंट शॉर्ट टर्म में मेरा पर्सनल स्टॉप लॉस भी है बट फ्रेंड्स प्लीज नोट दिस इज बेसिस माय रिस्क एपेटाइट इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसे एग्जैक्टली exactly मिमिक करो द होल आईडिया इज ये एग्जैक्टली exactly शेयर करना कि मैं पिवट पॉइंट्स को कैसे सिलेक्ट करता हूं हर एक इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट माइंडसेट और टाइम फ्रेम ये बहुत ही अलग होते हैं और ये इन्वेस्टर्स को इंडिपेंडेंटली बिजनेस के साथ साथ खुद के लिए एसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपने ये वीडियो में ऑब्जर्व किया होगा कि मैं कितनी इंपॉर्टेंस देता हूँ ग्रोथ और वैल्यूएशंस को और ये दोनों ही पैरामीटर्स पर मैंने बात किया मेरे एक रीसेंट आई सेक्टर के वीडियो में आई एक ऐसा सेक्टर है जो रिसेंटली फोकस में रहा है तो यहाँ पर ये वाले वीडियो में मैंने आई सेक्टर पर बात की है विथ थ्री बिजनेस के स्टडीज़ और अगर आप आईटी सेक्टर में भी इंटरेस्टेड हो तो ये वाला वीडियो तो आपको डेफिनेटली नहीं मिस करना चाहिए